इस देश में किसी महिला को औरत कहना गाली है रीडर्स जिनको नहीं समझ में आया हो सारे इन लॉ नहीं है इन लव है ये संस्कृति है इस देश की परिवार टूट नहीं सकता ये मेरे को कहता है गाय की बहन बताओ कौन है इसलिए सड़क पर चलते हुए अजनबी को भी आप जिस रिक्शा में बैठ करके हमारी बहने आई होगी मेट्रो से उतर करके उस रिक्शा वाले को भैया कहती है इस देश में किसी महिला को औरत कहना गाली है संबंध से पुकारा जाता है मौसी ताई सारे गांव की ताई है वो हरियाणा में चले जाओ गांव की जो सबसे बुजुर्ग होगी पूरे गांव की ताई है वो संबंध है भौजाई कितने संबंधों के नाम है यहां सलाह अलग है और साड़ू अलग है साला तो है ही खैर सारे इन लॉ नहीं है इन लव है नॉट बाय लॉ बट बाय लव संबंध है चंदा मामा है कल कोई कह रहा था वैज्ञानिक है बहुत बड़े बोले डिस्कवरी चैनल पे मैं देख रहा था और जब डिस्कवरी चैनल पे चंद्रमा के जन्म की कथा मैंने देखी तब मुझे समझ में आया अरे इसको मामा क्यों कहते हैं क्योंकि वो सहोदर है एक ही उधर से पैदा हुआ क्योंकि चंद्रमा उसी मटेरियल से बना हुआ है जिस मटेरियल से पृथ्वी बनी है पृथ्वी बनते समय ठंडी होते समय कोई आघात हुआ अलग हो गए टुकड़े वो बिखरे हुए टुकड़े इकट्ठे आए और चंद्रमा बना सेम मटेरियल से बना है इसलिए पृथ्वी का भाई है इसलिए धरती मां है तो चंद्रमा मामा है संबंध इस देश में हर बात को संबंध से स्वीकार नहीं किया गया समझाया गया उस सिद्धांत को कि सृष्टि का विनाश मत करो आपको पर्यावरण के रक्षा के लिए आंदोलन नहीं चला पड़ने पड़ते बाघ को बचाने के लिए आंदोलन नहीं चलाने पड़ते इस संस्कृति ने उसको व्यवहार में डाल दिया था। एक चौथी का बच्चा भोजन करते समय मेरे को कहता है पहली बूझूंगा मैं बड़ा खुश हुआ मैंने कहा पहली बूझ रहा है आजकल तो पहली बूझना ही खत्म हो गया रीडल्स जिनको नहीं समझ में आया हो बेचारे पढ़े लिखे बैठे हैं ना गांव में बोलता तो नहीं बताना पड़ता गांव में तो पहली पूछना आज भी पता है मैंने कहा हमारे समय में ये बुद्धू बक्सा नहीं आया था और ये हाथ में नहीं आ गया था जिससे बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है हम तो पहली पूछते थे जब शिक्षक नहीं आता था और पहली पूछने में ऐसी क्रिएटिविटी है कि एक बार किसी एक से पहली पूछ लो तो दूसरी बार वो पहली नहीं पूछ सकते इसलिए पहली पूछना अपनी ज्ञान रचनावाद को कंस्ट्रक्टिविज्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण है अपनी शिक्षा व्यवस्था में से चला गया क्योंकि एक बार एक पहली पूछ लो तो फिर से नहीं बोल सकते

उसने मुझे निरुत्तर कर दिया ऊँटनी भी देती है मैंने कहा जैसलमेर में ऊँट का दूध पिया है तो ले मैंने तो चले वो बहन हो गई मैंने अच्छा तो और कुछ बताया मैंने वो मना करता गया मैंने कहा बकरी होगी बोले है बकरी तो अलग तो ही है मैंने कहा ये कौन सी झूलॉजी मेरे को समझा रहा है झूलॉजी में फैमिली होती है ना और आकर के जब मैंने उसको पूछा भाई हार गया अब तू बता जब पहली हार जाते हैं तो सामने वाला खुश होता है पूछी इसलिए जाते है कि सामने वाला कह दे हार गया जब इतने बड़े व्यक्ति ने हार गया क्या तो वो चौथी का बालक एकदम खुश होकर के कहता अच्छा मैं बताऊ हाँ, बता। कहता है गाय की बहन बिल्ली मैंने कहा ये कौन सा विज्ञान लगाया यार बिल्ली तो फेलाइन ग्रुप की होती है मैं झूला जी फा रहा हूं उसको वो कहता है ये नहीं पता मेरे को वो कहता है गाय मां होती है ये पक्का है मैंने कहा हाँ और बिल्ली मौसी होती है <laughs> तो मौसी तो मां की बहन संस्कृति है इस देश की परिवार टूट नहीं सकता जो लोग कहते परिवार टूट के कुछ नहीं टूट सकता परिवार अपना रूप बदल बदल करके आएंगे अलग अलग रूपों में आएंगे यदि काम के कारण एक को कहीं और दूसरे को कहीं रहना पड़ रहा है या एक ही शहर में बहुत अधिक भौजाई और जेठानी में जेठानी देरानी में बहुत प्रेम होने के कारण अलग अलग भी रहना पड़ता हो तब भी मन से यहाँ का परिवार नहीं टूट सकता आप देख लीजिए अपने अपने स्मार्टफोन में व्हाट्सएप आते ही सबसे पहला ग्रुप परिवार का बना था कि नहीं बना था क्योंकि साइकोलॉजिकली यू आर ऑलवेज कनेक्टेड विथ यूर फैमिली आप कहीं पर भी रह जाओ अमेरिका में क्यों ना बच्चा बस जाए वह परिवार के साथ जुड़े रहने के बहाने ढूंढता है क्योंकि परिवार केवल राष्ट्र की नहीं मानवता की थाती है इस संस्कृति का आधार है इसको जड़ और चेतन में हमने करके दिखा दिया संबंध बना दिया मैं कई बार कहता संबंधों की संस्कृति है भूगोलिक का का रूप से भारत के लिए सीमित नहीं रेशियल रूप से केवल जिनके पूर्वज एक है मैंने इन्होंने सीखा उदाहरण दे दिया तो आपको लगेगा केवल पूर्वजों की थाती के कारण ही एक होगा भारतवर्ष नहीं ये तमाम देश काल निमित्त से परे टाइम स्पेस कॉजेशन से परे सार्वभौम सार्वजनीन सार्वकालिक तत्व है जो सारे विश्व के लिए है इसलिए भारतीय संस्कृति अपने आप में ही वैश्विक है उसका प्रत्येक तत्व प्रत्येक व्यवहार प्रत्येक सिद्धांत वैश्विक है इसलिए यह विविधता को स्वीकार करता है